नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन आज 33वें दिन में प्रवेश कर गया है। पर बड़ी खबर ये है कि किसानों के आंदोलन में अन्ना हजारे शामिल हो सकते हैं। अन्ना हजारे ने कुल मिलाकर चेतावनी दी है कि अगर किसानों की मांगे मोदी सरकार ने नहीं मानी तो अमरण अनशन पर बैठ सकते हैं। उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर आरोप लगाया है कि MSP पर जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी उसकी सिफारिशों पर अमल करने में कामयाब नहीं हुई है। जब 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार थी तब अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान और उसके बाद जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था, तब सरकार पूरी तरह से हिल गई थी। अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई थी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए थे, तब अन्ना हजारे का ही आंदोलन का फायदा बीजेपी सरकार मोदी और अमित शाह ने उठाया था। तो बड़ा मुद्दा ये है कि जिस जन आंदोलन के वजह से बीजेपी सत्ता में आई थी, अब जब जन आंदोलन किसानों के लिए फिर से होता है तो क्या मोदी सरकार को ले डूबेगा या उसे विरोधी बना देगा या फिर किसानों को नई जान मिलेगी? वो किसान भी अन्ना हजारे का समर्थन चाहेंगे। अगर अन्ना हजारे अनशन पर बैठ जाते हैं तो वो आराम से 10-15 दिन अनशन पर बैठ सकते हैं और पूरे देश में एक माहौल बन सकता है किसानों को लेकर, और सरकार को झुकने के लिए अन्ना हजारे का अनशन मजबूर कर सकता है। आपको पता ही होगा 2011 से लेकर करीब 2013 तक कभी जंतर मंतर पर, कभी रामलीला मैदान पर, कभी मुंबई में देखा गया है। वो सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन था कि उसके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ BJP भी कहीं ना कहीं समर्थन कर रही थी और अरविंद केजरीवाल तो सामने मंच पर ही मौजूद रहते थे, उनके साथ डटे रहते थे। लेकिन अब स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि जितनी लागत है उस पर 50% तक ज्यादा MSP देना चाहिए। आगे की जानकारी सोनिका से जानते हैं। एक तरह से उनका कहना था कि 2+FL होना चाहिए। अब A2 क्या है कि जितनी लागत खेती में आती है जिसमें बीज, खाद, रसायन, केमिकल, सिंचाई, मजदूरी के अंदर शामिल है, उसमें FL को जोड़ा गया है जिसमें फैमिली लेवल। इसके साथ ही स्वामीनाथन आयोग ने दो चीजें और जोड़ी थी। उनका कहना था कि अगर एक किसान किराए पर सब चीजें लेके खेती करता है उसको भी लागत में जोड़ना चाहिए। इसको C2 का नाम दिया गया, पर उस पर जितना MSP किसानों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी किसानों के समर्थन के लिए कोई सामने नहीं आता दिखाई दे रहा। जब कांग्रेस थी तब छोटे छोटे मुद्दों पर अन्ना हजारे प्रदर्शन करते नजर आए और अनशन पर बैठते दिखाई दिए, तब वो देखते थे कि सरकार गलत काम कर रही है। पर आज अन्ना हजारे को दिखाई नहीं दे रहा कि लाखों लोग, लाखों किसान समर्थन के लिए सड़कों पर उतरे हैं, किसानों के हक के लिए 33 दिन से भी ज्यादा कड़ाके की ठंड में रोडों पर आकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए डटे हुए हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि अन्ना हजारे अपना समर्थन किसान आंदोलन को देते हैं या नहीं, या किसान खुद ही अपने हक के लिए डटे रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो आपकी क्या राय है प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।